हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, एग्रोकेमिकल का बहुत शानदार बिजनेस है इसका। और अगर हम बात करेंगे इसके बिजनेस के बारे में, तो देखिए 70% जो रेवेन्यू है इसका आता है एक्सपोर्ट से और 30% रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक सेल्स से। और 70% जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 30+ कंट्रीज़ हैं जहाँ से आता है इसका। ग्लोबल 4 ऑफिसेज भी हैं। अगर हम बात करेंगे यूरोप हो, चाहे US हो, चाहे ब्राज़ील वगैरह हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यहाँ पर इसके बिजनेसेस फैले हैं। और ये फार्मूलाज वगैरह भी अपना सप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट्स भी। अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिकली प्रेजेंट्स तो है ही, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जोर दिया गया है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। देखिए, अगर हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्री की चार्ट पैटर्न की, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टॉक जबरदस्त अप ट्रेंड में है। अगर हम यहाँ पे मंथली या वीकली चार्ट देख लेंगे तो वीकली चार्ट में आपको दिखाई देगा स्टॉक एकदम बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम बात करेंगे ये कब से ऐसा दिखाई दे रहा है, 2017, 2018, 2019, 2020 और कोविड के टाइम पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया था। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस आपको बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा होगा। पहले भी हमने इस लेवल के आसपास बाइंग की थी 2750 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी किया था। जो लोग होल्ड किए हुए हैं वो आराम से 3500 के लिए होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करेंगे इसको, तो देखिए येस सिक्योरिटीज़ ने देखेंगे तो 2750 2775 के आसपास के टारगेट्स भी दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो जोन होगा यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस ही बहुत अट्रैक्टिव है और यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे या फिर थोड़े और मिड टर्म के लिए भी रखेंगे, तब आपको इस लेवल के आसपास के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर हम एमएससीडी की बात करेंगे तो एमएससीडी जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही थी, बट कोविड की वजह से जो लॉकडाउंस वगैरह ओवरऑल ग्लोबल बेसिस पे लग रहे हैं, उसकी वजह से इसमें भी प्रेशर बन रहा है। क्योंकि इसका ज्यादातर मार्केट बाहर के, आपने देखा होगा 30+ कंट्रीज़ में है, तो वहाँ पे लॉकडाउन लगेगा तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब सेल सिग्नल दिया है एमएससीडी ने, तो यहाँ से थोड़ी और गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर जीरो लाइन के नीचे गई तो फिर और गिरावट हो सकती है, तो इसलिए हम इस स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे। मेरे हिसाब से पहला लॉट अगर आपको बाय कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर पहला लॉट बाय करना है तो इस रेंज में आप आराम से कर सकते हैं। 2750 से 2800 का ये रेंज है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, पावरफुल, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम RSI की बात करेंगे तो 39 की RSI चल रही है, उतनी ज़्यादा वीक नहीं है। 30 के आसपास हम बहुत वीक RSI मानते हैं, बट अभी उतनी वीकनेस नहीं बनी है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह दीजिए। ये हाई ग्रोथ स्टॉक है, आपको मुनाफे में ही रखेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।